जनपद के बेलघाट क्षेत्र के ग्राम सभा बेलाखुर्द में एक ही परिवार के चार लड़कों तथा रिश्तेदारी में आए भांजे सहित पांच युवकों की सरयू नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। पांचों युवकों के डूबने की खबर जब गांव में मिली तो कोहराम मच गया। डूबने वालों में अमन शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला निवासी बेली थाना बेलघाट 18 वर्ष, नितेश शुक्ला पुत्र ध्रुव नारायण शुक्ला निवासी बेली खुर्द 19 वर्ष, सत्यम त्रिपाठी पुत्र कृष्ण मुरारी तिवारी 18 वर्ष, सौरभ शुक्ल पुत्र मदन मुरारी शुक्ल निवासी बेली खुर्द थाना बेलघाट तथा परिवार का भांजा आदर्श त्रिपाठी पुत्र सूरबली त्रिपाठी निवासी परशा तिवारी थाना उरवा शामिल है। होली के एक दिन पूर्व हुई इस हृदय विराधक घटना से पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। घटना के संबंध में बताते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एक ही परिवार के पांच युवकों की डूबने से मौत हुई है। इसी परिवार के युवकों की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने कहा कि भगवान मृतक आत्मा को शांति दे तथा दुख की इस घड़ी में परिजनों को साहस प्रदान करे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें बता कमरिया घाट है और तुम भी चलो लेके ये भी चलो जब मैं सब कार्य समेत के घर पर चलो अगर देर हो रहा है देर तो नहीं होना दुलाई को थाना बेलघाट में बेली खुर्द है। इस गांव के पांच लड़के थे, चार इस गांव के थे, एक बाहर का है, वो अपने ननिहाल में आया हुआ था लड़का। उनको दोपहर में ये नहाने गए थे और सरजू नदी में इनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे तलाश करके इनकी डेड बॉडी प्राप्त की गई है और मृतक को आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में बेलघाट के पास कल हमारे पांच नौजवान नदी में डूब करके उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। उन परिवारजनों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।